कर तू हासिल कर। We hustle hard. माँ कसम यार, मैं अभी तक ना क्रेजी क्रेजी कर रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये होती है एक फाड़ परफॉर्मेंस। मेघ राग होता था तो बारिश होती थी, ये नरसंहार राग है, ये रौद्र रस है। मैं ना मतलब मैं शांत हूँ अभी, और मैं शांत रहना पसंद करता हूँ क्योंकि शांति से ना बातें हल होती हैं, लेकिन जहाँ हल नहीं होता ना, ये गाना अगर वहाँ चल गया कुछ हल नहीं होएगा, हल नहीं होगा, कत्ल होएगा। This is insane, ये illegal performance है। हैं भाई दिल्ली हम, कर लो यार, क्या करोगे, यही है हम, कांड कर देते हैं हम, ज्यादा नहीं सोचा जाता, 2+2 हमारा 11 हो जाता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, नॉट बिकॉज यू डिड वॉट यू डिड, बट बिकॉज द वे यू परफॉर्म्ड, जो कला है, मुझे जेन्युइनली लगता था कि बॉम्बे का सीन भारी है, I am saying it on record, मुझे लगता, लेकिन भाई ये दिल्ली सीन से आएंगे ना, दिल्ली सीन खत्म कर देगा। आई रियली बिलीव आप दोनों इस सीजन के दो सबसे बड़े स्टार्स हो, और आज हमने दो बड़े स्टार्स का डबल सुपरनोवा देख लिया एक साथ। ऑनेस्टली आप लोगों को आपके प्राइम में देख के हमको जोश आता है, सो ये वो वाला गाना था लिटरली। जेंटन तो आपका है ही हर बार का। थैंक यू, अप्रिशिएट मैम, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। नंबर नंबर चाहिए क्या? एक काम करो, इधर आओ, इधर आ जाओ दोनों, आज मैं हकदार नहीं हूँ भाई नंबर देने का। कांड कर दिया, कांड हो गया। मैं दिल से एक बात बोलना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं है लेजेंड, जिसके गाने ना आपको उठा के या तो कुछ बहुत अच्छा करने पे मजबूर करते थे, और या तो पागल कर देते थे आपको, सिद्धू पाजी। I'm proud of you. One of the greatest collabs in hip hop, according to me, is Eminem and Royce the 5'9" when they did Bad Meets Evil. Bad Meets Evil. Bad Meets Evil. Right there. Right there. The speciality of the song is, पता नहीं चलता कि जब वो लोग switch करते in between the songs, they had that flawlessness. It's a rhyme fest. 5-syllable rhymes, paat jagi sabki, ulti aakh mari fatki. 3-syllable rhymes, domicile, domicile. Qualified. I mean, this is history you made. Woo! History. Thank you so much. बच्चा भाई, मैं दिल्ली सीन से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मेटल सीन से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और मुझे ये ना, ये तोड़ने का मन कर रहा था। तोड़! Yes, sir! Yes! Since बच्चा भैया वो तो गया, मैं देने वाला था आपको, सबको पता है। मार्क्स वाला तोड़ दिया क्या? हाँ। बट आप नंबर बोल के बता दें प्लीज। नंबर इज अग्रेसिव 10। अग्रेसिव 10। थैंक यू भैया। डीनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई शुरुआत जो हुई ना, मुझे लगा तुम लोग हमको गुस्सा दिलाने के चक्कर में आपस में ना झगड़ लो। ब्रो मैं बता रहा हूँ, ये गाना है ना, इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा, बहुत बादशाह भाई सेड कि हार्ड सीन बॉम्बे का है और मेलोडी पार्ट पूरा पूरा दिल्ली का है।
ये शुरू से हमारे दिमाग में था, लेकिन ये जो जोन आया ना दिल्ली की तरफ से, ये बहुत ज्यादा हार्ड है ब्रो। तुम्हारा पूरा गेम ड्रॉप का है, वो जब ड्रॉप आता है ना भाई, तब स्टेज टूट जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस भैया, मजा आ गया, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एमसी स्क्वायर, किसी का मैसेज आया आपको, डीएम आया पर्सनली? हां जी भैया, मतलब कोहली भैया का आया था। फॉलो कर लिया है, फॉलो भी कर लिया है कोहली भैया को, साथ में जो गली में रहते हैं वो कोहली भैया। कोहली भैया कौन? सब जानते हैं भैया, विराट कोहली भैया। विराट कोहली सर का आपको डीएम आया था? हाँ जी भैया। 10 साल लग गए मुझे पिछले साल जाके फॉलो किया उन्होंने मेरे को, और भाई मैं हफ्ता नहीं सोया उसके बाद, माँ की कसम, विराट कोहली इनको डीएम आ रहे हैं। मेरे को जो पहला डीएम आया वो भी इसके बारे में है। कहते भाई वो बढ़िया है, मैं कहा हाँ विराट कोहली सर का डीएम है वो बढ़िया, मैं कहा हाँ सर है तो सही बढ़िया। नहीं बट ऑनेस्टली लाइक पैराडॉक्स का एवोल्यूशन अगर देखना है ना, आई रियली होप वो फोटो ना आप चलाओ, ड्यूड दिख रहा है 4 साल की लिखाई दिख रही है ब्रो, दिख रही है भाई, बहुत मेहनत करी यार तूने, बहुत ज्यादा मेहनत करी। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले तो वही, मैं अपने पेरेंट्स को काफी क्रेडिट्स देता हूँ इस मामले में ना। मैं जब सर मैंने लिखना चालू करा था, पापा वर लाइक कि गाने बनाते हैं, तो उन्हें पता चला था कि गाने स्टूडियो में बनते हैं, ऐसे बनते हैं वैसे बनते हैं। फिर ना मेरे पापा गुड़गांव लेके गए थे मेरे को, भैया के घर पे जो भैया रहते थे, फिर मैं पापा के साथ गया था, मैं बैठा तो थोड़ी देर ना भैया ने पापा को बाहर भेजा और मेरे को कहते आज तक मेरे घर में ना भाई कोई 14 साल का लड़का नहीं आया गाना बनाने के लिए, और वो भी अपने पापा के साथ। मतलब मेरे को पहली बार मेट्रोनोम के बारे में भैया से पता चला था कि मेट्रोनोम कोई चीज होती है। 40 भाई थैंक यू भाई, फोटो दिखवा दो प्लीज, अब तो भाई इंस्पायर भी करा, फोटो दिखवा दो। बैठ जाओ भाई, अब क्या लूटोगे, सब तो लूट लिया तुमने।